गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो आप सभी को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हर घर में। तो मेरे पीछे भी नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारे घर में नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी हमारे देश के वो लोग रहे जिन्होंने, वीर सपूत जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, इसलिए अपनी जान दे दी ताकि हम लोग ऐसे माहौल में जी सके, इस नेशनल फ्लैग को जितना ऊंचा कर सके, मतलब इतना ऊंचा कर सके ना कि जहाँ से भी दिखे सिर्फ ये दिखे, हिंदुस्तान का ये झंडा दिखे, हमारी आन बान शान जिसे भी ये नज़र आए तो सिर्फ यही नज़र आए कि हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊंचा है। तो इसी वीर सपूत जो भी हमारे रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुखदेव सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने हमारी आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक ऐसा, मतलब एक ऐसी भूमिका निभाई कि ऐसे हीरो बनकर बाहर आए जिन्होंने देश इसकी आज़ादी के लिए, मतलब खुद से ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं, देश से ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ देश नज़र आया, देश की आज़ादी नज़र आई, गुलामी की लड़े झगड़े सब कुछ किया लेकिन देश को आज़ाद कराया। तो आज उसी आज़ादी को आगे बढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ अपने ही गाँव में एक ऐसे आज़ाद हिंद फौज के जवान से मिलने जिनका नाम है जौहर सिंह बिष्ट, जो है हमारे गाँव के जौहर सिंह बिष्ट, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 18 साल गुमनामी की ज़िंदगी जी उनने और 18 साल वो घर नहीं आए। तो चलिए मैं चलता हूँ, ले चलता हूँ आपको आगे और दिखाता हूँ उनका घर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सभी को एक बार फिर से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी बधाइयाँ। बच्चों, भारत माता की जय। चलिए फिर हम निकलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा नेशनल फ्लैग, एक लगा हमारे घर के ऊपर, एक यहाँ पापा ने यहाँ भी लगाया, तो एक और आगे चलते हैं अभी और दो कुछ लोगों ने आगे भी लगाए हुए हैं। तो ये मैं अभी आपको लेके चलता हूँ आगे। हम तो बहुत दिन बैठे हैं, आशा मैडम बैठी हैं यहाँ पे, तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है, रात भर बारिश हुई है। तो ये देखिए, ये है एक फ्लैग यहाँ पे भी लगा हुआ है और हमारी मैडम हो चुकी है स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि इन्हें जाना है स्कूल। अभी हम फिर स्कूल भी जाएंगे लेकिन उससे पहले हम जाएंगे फ्रीडम फाइटर घर के घर, श्री जौहर सिंह बिष्ट जी के घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल ये, ओहो यहाँ तो एक हमारे घास काटने जा रहे हैं, देखो अपना अपना सबका काम है। तो ये हो चुके हैं सफाई, एक हमारे भैया हैं मनोज भैया जो रोज़ सफाई करते हैं, एक प्रण लेकर रोज़ सुबह उठते हैं और 20 से 25 मीटर का रास्ता पूरा साफ करते हैं, एक प्रण है एक। तो चलिए पहुँचे हैं अपने गांव के, इस देश के फ्रीडम फाइटर श्री जौहर सिंह बिष्ट के घर। तो ये रहा उनका घर और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये थोड़ा रिनोवेट कर दिया उन्होंने, पहले पुराना था। तो जिनने 18 साल अपने देश को दिया, 18 साल गुमनामी की ज़िंदगी, देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका थी और उनकी रही भी, और एक चीज़ तो हमेशा ये रहा कि उनके घर वालों को भी यकीन हो गया कि अब वो नहीं रहे और बहुत सारी चीज़ें उस बीच में हो गई, पर सडनली एक चमत्कार हुआ, देश आज़ाद हुआ, हमारे वीर सपूतों ने देश को आज़ाद कराया और उसी आज़ादी को आगे बढ़ाकर वो वापस घर पहुंचे। तो अब हम दिखाएंगे उनके कुछ चीज़ें। तो ये है उनका पड़पोता, भारत माता के आयुष, ठीक, वेरी गुड। तो हम जाएंगे अब यहाँ, अब हमें उनको दिखाऊंगा अंदर, उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो चलिए, ओहो तो यहाँ कौन कौन बैठा है, यहाँ मेरे चाय, यहाँ मेरी हमारी दानी, ओहो। तो अभी हम पहुँचे अपने फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के घर पे। तो ये है उनकी बेटियाँ, आप बड़े नान भाई ठुल भैया, और तुम नान भाई ना, अच्छा तो बताओ बुबू बारे में, पर क्या बुबू जी के बारे में कुछ बताओ, अब मतलब कब कद साल बात आई वापस, क्यों हो है, अच्छा पहले, अच्छा उन्हें आई बात है पैर में, अच्छा कद साल में लगाई आटी घर बैठी हूँ, देख लीजिए, जैसे कि हमारी दोनों अम्मा बता रही है कि वो उस टाइम पे ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब वो चले गए थे वहाँ, उसके आने के बाद ही ये वो ये लोग यहाँ पे पैदा हुए थे। और बताया जाता है कि किसी ने बोल दिया कि मर गए, मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है कि जैसा कि आपको बताया कि 18 साल, 18 से 20 साल वो रहे, 18 20 साल रही ना, 18 से 20 साल वो रहे और गुमनामी की ज़िंदगी, लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो मर गए, जैसा कि
किसी ने बोला कि चिट्ठी भी आई थी। हाँ, लेकिन देश आजाद होने के बाद वो फिर से वापस आए, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, तो आपके ताम्र पत्र दिखाता हूँ जो उनको आजादी के। तो ये देखिए, ये है 25वीं स्वतंत्रता सेनानी है ये, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको। स्वतंत्रता संग्राम गौरवपूर्ण योगदान रहा है इनके लिए, उत्तर प्रदेश शासन ने इनको दिया, उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं था। तो उसके बाद ये देखिए, तो ये देखिए, ये ताम्रपत्र उनको, ये और ये है उनकी फ़ोटो, ये है फ्रीडम फाइटर श्री जवाहर सिंह, और ये उनकी वाइफ, ये देखिए दुर्गा देवी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बड़ा योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये उनके बच्चे हैं उनके, आप इनने तो उनको देखा भी नहीं उस टाइम पे जब वो चले गए थे, ये तो उनके बड़ पोते बहुत छोटे हैं, इनसे छोटे छोटे बड़ पोते। तो चलिए आप चलते हैं आगे की तरफ, हो दिहली हो, ये सब उनके बच्चे ही हैं। भारत माता की वंदे, और तू क्यों नहीं बोल रहा है? तो निकल चुका हूँ मैं जवाहर सिंह बिस्ट जी के घर से, जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो जैसा कि मैंने इनके घर में उनकी दोनों बेटियों से बात की, तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है उनके लिए भी, उनने अपने पिताजी को देखा ही नहीं, मतलब 18 साल वो जब निकल गए थे शादी के तुरंत बाद, और जब वो घर आए उसके बाद ही ये लोग इस दुनिया में आए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत टफ लाइफ थी उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी वाइफ के लिए, क्योंकि उन्हें जैसा कि अभी बताया है थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कोई होता था मैं पूछ भी लेता। तो ये है नीचे हमारे बहुत सीनियर बुजुर्ग आदमी, तो इनसे बात करेंगे अगर ये बात करना चाहेंगे तो। और ये मुझे देख के भाग गए हैं यार, रुको तो गुरु जी रुक जाओ। मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे कोई मिला था, उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हम तो पैदा क्या, हम तो अभी तब हमको बता ही नहीं है। तो उनकी बेटी ने मुझे एक चीज़ बताई है, वो मुझे ये बताया कि कोई लेटर आया था तो उसमें ये लिखा था कि वो मर गए हैं, और मरने के बाद इन लोगों ने उनका सब कुछ कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो इनने कर दी थी। लेकिन सडनली हुआ ये कि हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर सपूतों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, आंदोलन किया, अपनी जान दी ताकि देश को आज़ाद करें, और देश आज़ाद हुआ, उनके सपने साकार हुए, हर किसी वीर सपूत का सपना सच हुआ और आज़ादी मिली। आज़ादी के कुछ टाइम बाद वापस घर आ गए, तो तब उनको गवर्नमेंट द्वारा, उस टाइम पर उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही उन्हें वो दिया, ताम्रपत्र दिया। क्योंकि अब ज़्यादा मैं इसलिए बात नहीं कर पाया, किसी को पता ही नहीं है कुछ, तो स्टोरी नहीं पता सच में किसी को ज़्यादा, उनकी बेटी बेटी को नहीं पता। तो अब हम निकल रहे हैं स्कूल की तरफ, हम जाएंगे स्कूल में, हम बच्चों के साथ मनाएंगे आज का 15 अगस्त। ये है भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो साहिल भाई यहाँ पे खड़े हैं, साहिल भाई भारत माता की वेरी गुड। तो और अब हम निकलेंगे आगे, तो साहिल भाई तुम्हारा झंडा कहाँ, अच्छा झंडा ऊपर लगा है साहिल भाई का, तो यहाँ से जो जो मिलेगा उसको इकट्ठा करते हुए लेके जाऊँगा आज, उसके बाद वापस जाऊँगा फिर आज दूसरी जगह। तो चलिए, तो हम जा रहे हैं अपने गाँव के स्कूल, प्राइमरी स्कूल पर, तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। देखो ज़्यादा प्रोग्राम तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो प्रोग्राम है उसी में, तो देखते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, और बच्चों का प्रोग्राम देखते हैं। ज़्यादा तो बच्चे हैं नहीं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि अब लोगों ने अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूल में डालना शुरू कर दिया है। तो कोई नहीं, आज थोड़ा बारिश की वजह से कीचड़ हो चुका है। तो ये देखिए सबसे बड़ा 300 से 400 साल पुराना पीपल का पेड़, अब ये कुछ टूट, देखिए ये हिस्सा इसका टूट चुका है, ये हिस्सा इस तरफ का टूटा है और एक हिस्सा उस तरफ का भी टूटा। तो ये है ग्राउंड जहां हम खेला करते थे, और हम पहुंच चुके हैं अभी स्कूल में, वहां हमारी एक मैडम झाड़ू सफाई कर रही है। तो ये है हमारे गांव का महादेव का मंदिर, और आज आप मौसम देख सकते, काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है, हर घर में आपको तिरंगा दिखेगा, बहुत छोटे हैं लेकिन कोई नहीं, अभी झंडा रोहड़ा, अभी झंडा तो फहराया नहीं। तो चलिए देखते हैं अंदर कौन कौन है। शेरू बेटा, मैडम नमस्कार, भारत माता की जय। है हम लोगों के गांव का प्राइमरी स्कूल, अभी झंडा, अभी जो नेशनल फ्लैग है वो अभी फहराया जाएगा, अभी तैयारी चल रही है ऊपर, 9 बजे का टाइम दिया तो सभी लोग आएंगे, कुछ लोग तो आएंगे। ये इसका ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड पूरा देखिए, तो वहाँ बनता है सामने खाना, और ये मंदिर, ये देखिए पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। एक हिस्सा इधर से जो इधर आता था ना वो टूट चुका है इसका बारिश में, क्योंकि वेट ज़्यादा था। तो बच्चे हो चुके तैयार, मैडम ने कर दी तैयारी, तो अब आ चुका है फ्लैग बाहर। तो चलिए, एक हमारी मैडम कर रही है सफाई यहाँ पे, सफाई भी ज़रूरी है बारिश में, तो वैसे भी बहुत गंदा हो जा रहा है। देखते हैं कौन कौन आता है अभी,
वो सामने देखिए, आप छोटा छोटा देख रहे हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये लगे हैं नेशनल फ्लैग। ये देखिए, हर घर में अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। गाँव गाँव, शहर शहर, हर जगह आपको नेशनल फ्लैग देखेंगे। और एक चीज़ में आपको नेशनल फ्लैग अपने घर पर लगाया है, नेशनल फ्लैग लगाने की बात ना इसको शाम को निकाल देना, क्योंकि ये हमेशा नेशनल फ्लैग ना अंधेरे में निकाल दिया जाता है, बहुत सा मतलब इसको फहराया नहीं जाता, तो फेंकना मत इसको, और अच्छे से संभाल कर रख देना ताकि अगली बार फिर से आपके काम आए। और इसके साथ साथ ही एक मैसेज और, आप लगाएं घर पे पेड़ अपने, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने भी अपने घर पे पेड़ लगाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये तो आप ना अभी फहराओगे, उसके बाद इसको आप रख दोगे, क्योंकि आप साल भर इसे नहीं वो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो या फिर आप इसकी देख रेख कर सकते हो, पर पेड़ का आप कर सकते हो। पेड़ लगाओगे वो ज़िंदगी भर आपको, आपके आने वाले भविष्य को, आपके आने वाले फ्यूचर को, आपके इस एटमोसफियर को, इस मतलब नेचर को, हर चीज़ को ना बहुत अच्छा कर देगा ये, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो लोग बोलते हैं यार भाई ये तो प्रकृति का नियम है। नियम किसी का नहीं है, हम लोगों के द्वारा ही, मतलब हम लोगों ने जो किया हुआ ना ये उसी से हमें मिल रहा है। बारिश जब होनी थी तब होती नहीं है, कहीं भी टूट जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो ये इसलिए पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब गाँव में देख रहे हैं हरा भरा क्यों है, इसीलिए क्योंकि लोग ना पेड़ लगाते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, अब आ रहा है नेशनल फ्लैग। तो हो चुके हैं बच्चों की तैयारियाँ पूरी, ये देखो एक यहाँ पे है, सब लोग नेशनल फ्लैग लेके, कुछ गांव के बड़े सीनियर लोग भी, ये भी देखो, चलो बच्चों भारत माता की। तो ये सब हो चुके हैं तैयार, अब दिखाता हूँ अंदर मैं आपको क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। और ये देखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये है आपका 15 अगस्त 2022। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर। ये हमारी मैडम सत्रपा मैडम, अंदर देखिए, अंदर ले जाइए, तैयारी हो चुके हैं। तो ये देखिए ये सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है मैम द्वारा। तो आज़ादी ये है आज 75, ये फिफ्थ, ये वाली जो एनिवर्सरी है, जो आज़ादी का महोत्सव है, ये इसलिए भी है क्योंकि एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, 75वीं वर्षगांठ है, तो हर घर में झंडा, नेशनल फ्लैग होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे बलून लगाए हुए हैं, गुब्बारे लगाए हुए हैं। तो ये है बच्चों का स्कूल, देखो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से हर कोशिश करती है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की, पर हो ये गया है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा भाग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए हम मनाते हैं आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ। बच्चों की तैयारी अब नेशनल फ्लैग लगने की, और इसका झंडारोहण होगा अभी। पीछे मनमोहन भाई हमारे साउंड सिस्टम डीजे बजा रहे हैं पीछे, तो डीजे में डीजे वह आज के। तो यहाँ पे मैडम और बच्चे लोग हो चुके हैं तैयार, तो हम भी करते तैयारी और साथ में करेंगे। ये हमारे सबसे छोटे यूथ, यंगर यूथ आए हैं हमारे, सबसे छोटे जो नेशनल फ्लैग लिए हाथ में। गुन्नू इधर देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए आप, जो अब होगा नेशनल एंथम राष्ट्रगान। तो चलिए तैयारी करते हैं, मैं भी कैमरा साइड पे लगा के फिर करते हैं नेशनल एंथम शुरू। तो चलिए हमने पहने ये तुम्हारा उसकी रक्षा कौन
हम कह रहे हैं तो राष्ट्रगान हो चुका है कंप्लीट, तो ज्यादा प्रेम महान, तो सब लोग हो चुके हैं। 15 अगस्त, ये सारे नारे हमारे बचपन में हुआ करते थे, जय जय बोलो गांधी की, तो ये हो चुके हैं नारे। देखिए अब बच्चे भले ही कम हो पर जोश जुनून सबसे ज्यादा है, और हम बच्चों के साथ उनका जोश बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे साथ बिज्जी भाई भी हैं, मेरी मम्मी जी भी हैं, और 2-3 लोग और भी आए हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं आ पाए क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने काम में बिजी हैं उन्हें। तो ये देखिए सारे जहाँ से अच्छा गाना चल रहा है, चुका है हम लोगों का नेशनल एंथम, और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोग्राम थे वो तो नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत कम अभी जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन उससे पहले फिर से आपको अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी ढेरों सारी बधाइयाँ। ऐसे ही अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें जिससे देश का फ्लैग सबसे ऊँचा हो, और जब भी इसे देखें ना लोग दूर से भी कहीं से भी, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत का, मेरे इंडिया का फ्लैग नज़र आए, मेरा झंडा नज़र आए लोगों को, और ये बोल सके हक सके हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरे गाँव में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, तो एक आर्मी एक्स सोल्जर भी है, मेरे फादर खुद आर्मी सोल्जर है, एक्स सोल्जर रिटायर आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो अपनी कहानियाँ स्टोरी शेयर करते हैं। तो उन्हें लगता है, उन्हें जब भी वो आते हैं ना लगता है कि यार ये लाइफ होनी चाहिए सच में, जब उनकी ड्रेस में वेपन के साथ उनकी फ़ोटो देखते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर से एक बार आप सभी को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। मिलेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को, 75 एनिवर्सरी को आप इंजॉय करें, इस मोमेंट को सबके साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, जय हिंद, जय भारत।